Good afternoon, my dear friends. Today, let us study Samasaha. Samasaha means compounds, and in that, we are going to study first Sat Tat Purusha Samasaha, which means determinative compound. Determinative compound means to identify or to determine something. As you know that Sanskrit and Hindi goes together. So I have tried my level best to speak in Hindi so you can understand Vigraha Samasa very well. So let us begin. So Tatpurusha Tatpurusha Samasa प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष ये सूत्र है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष अब आपको प्रश्न आया रहेगा कि उत्तर पदार्थ प्रधान मतलब क्या है तो देखिए समास में दो पद होते हैं एक तो पूर्व पद और एक दूसरा पद उत्तर पद पूर्व पद फॉर एग्जाम्पल संकट मुक्त संकट मुक्त बघा लेटसी संकटात मुक्त संकट मुक्त संकटात पूर्वपद मुक्त उत्तरपद तो तत्पुरुष प्रधान में क्या है उत्तरपद प्रधान है उत्तर पद को प्रश्न के रूप प्रयोग करने पर पूर्व पद का जवाब होगा मीन्स वी हैव टू आस्क क्वेश्चन फॉर द उत्तर पद एंड यू विल गेट पूर्व पद एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ उत्तर पद फॉर एग्जाम्पल संकट मुक्त कस्मात् मुक्त कस्मात् मुक्त संकटात मुक्त संकटात मुक्त वाई वी हैव यूज कस्मात हम इधर कस्मात का उपयोग क्यों कर रहे हैं कि इधर विघटन है मुक्त है तो विघटन है तो जब जब विघटन होता है तब हम पंचमी का उपयोग करते हैं इसलिए संकटात मुक्त संकट मुक्त ओके तो ये है इसका विग्रह और इस विग्रह में मुक्त है उत्तरपद संकटात है पूर्व पद तो बन गया समास संकट मुक्त सो so, अभी इधर हमें उत्तर पद को महत्व देना है ओके okay? सो so, मुक्त विघटन है इसलिए हमने इधर पंचमी लगाई है ओके okay? सो so, विग्रह और दिस इज द वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग देर आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन तत्पुरुष समास पहला है, दुर्था 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 है। उत्तर पद प्रधान होता है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष ये इसका सूत्र है अभी दूसरा देखेंगे उत्तर पद को प्रश्न के रूप प्रयोग करने पर पूर्व पद उसका जवाब उत्तर होगा वेन वी गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स वी विल नोट दिस विग्रह में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है अभी आपको पता चलेगा कि कारक चिन्ह क्या है विग्रह में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है विग्रह मतलब जब हम समाज को विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं तब उसको विग्रह कहते हैं अभी संकटात्मुक्त है ये विग्रह है और ये समस्त पद है संकट मुक्त तो विग्रह पद में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है कारक चिन्ह मतलब सुबंत का जो प्रत्यय हमने पढ़ा है इधर देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की सप्तमी में पर संबोधना रे अरे इसको हम कहते हैं कारक चिन्ह ने को से के द्वारा के लिए से काके की मे पर अरे हे अरे इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं हम इसको कारक चिन्ह कहते हैं तो हम अभी विभक्ति तत्पुरुष पढ़ने वाले हैं हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं विभक्ति तत्पुरुष पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये अभी टेंथ स्टैंडर्ड के लिए एग्जाम के लिए आने वाला है विभक्ति तत्पुरुष एज वेल एज़ इट इज़ गोइंग टू कम फॉर नाइन्थ स्टैंडर्ड ऑल्सो प्लीज़ नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स फोकस ऑन इट विभक्ति तत्पुरुष सो so, विभक्ति तत्पुरुष में भी दो भेद है समानाधिकरण तत्पुरुष तथा व्यधिकरण तत्पुरुष विभक्ति तत्पुरुष समास जो है तत्पुरुष समास में ही आता है उसमें दो दो समास है समानाधिकरण तत्पुरुष तथा व्यधिकरण तत्पुरुष तो समानाधिकरण का अर्थ क्या है वो पहले जानेंगे समान वही उसका अर्थ बता रहा है कि समान विभक्ति मतलब जिस विग्रह वाक्य में समान विभक्ति है उसको हम कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष तो कौन से विग्रह कौन सा यह है रहता है प्रथमा विभक्ति एक ही है जो पूर्व पद और उत्तर पद एक ही समान रहता है उदाहरण देख लेते हैं कृष्ण सर्प उत्तर क्या आएगा कृष्ण सर्प ये इसका विग्रह वाक्य है और उत्तर आएगा कृष्ण सर्प घन श्याम घन श्याम तो इधर हम जानेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों भी समान विभक्ति में है प्रथमा विभक्ति में है इसलिए इसको और एक भी कहते हैं कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय इसको ऐसे भी कहा जाता है कि तत्पुरुष समास को में समानाधिकरण समास को कर्मधारय समास के भी कहा जाता है क्योंकि क्यों कहा क्यों जाता है जब हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे तब हम जानेंगे अब आप इतना ही समझ लो कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों विभक्तियाँ एक साथ एक ही समान रहती हैं और उसका उत्तर जो है कृष्ण सर्पहा घनश्याम ऐसे आता है तो इसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है ये आपने जान लिया समानाधिकरण तत्पुरुष अभी हम जानेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष व्यधिकरण इसमें भी एक संधि हुआ है और ये बता रहा है कि इसका अर्थ बता रहा है व्यधिकरण वी अधिक अधिकरण वि मतलब अलग अलग वी अधिक अधिकरण तत्पुरुष व्यधिकरण तत्पुरुष मतलब असमान विभक्ति इसमें क्या होता है पूर्व पद का विभक्ति अलग होता है और उत्तर पद का विभक्ति भी अलग होता है उदाहरण जानेंगे तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास में क्या है वो जानेंगे देखिए व्यधिकरण समास जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्तियाँ लगी हो वह व्यधिकरण तत्पुरुष होता है और एक बार जान लो जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्तियाँ लगी हो वह व्यधिकरण तत्पुरुष होता है तो हम अभी व्यधिकरण को विभाजन करेंगे वि मतलब विषय अधिकरण विभक्ति वाले तो अलग अलग विभक्ति वाले जब एक साथ जुड़ जाते हैं तत्पुरुष को व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं तो व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद क्या हैं द्वितीय तत्पुरुष समास तृतीया तत्पुरुष समास चतुर्थी तत्पुरुष समास पंचमी तत्पुरुष समास षष्ठी तत्पुरुष समास सप्तमी तत्पुरुष समास ये इसके भेद हैं जो हमें एग्जाम को आने वाले हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद में द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास आते हैं जो हमें एग्जाम में आने वाले हैं उसको ही हम विभक्ति तत्पुरुष समास ऐसे कहते हैं इन सबको हम क्या कहते हैं विभक्ति तत्पुरुष समास और विभक्ति तत्पुरुष समास में कौन सा समास है ये व्यधिकरण तत्पुरुष सो so, विभक्ति तत्पुरुष समास में दो भेद हैं पहला वाला समानाधिकरण दूसरा वाला व्यधिकरण समानाधिकरण हम क्यों कहते हैं क्योंकि उसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक ही विभक्ति में होती है इसलिए हम उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है पूर्व पद अलग और उत्तर पद अलग तो पूर्व पद और उत्तर पद कैसे अलग अलग होते हैं ये हम जानेंगे उदाहरण के लिए देखिए संकट मुक्त संकटात मुक्त अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इसको हम कह देंगे पूर्व पद और इसको हम कह देंगे उत्तर पद तो देखिए पूर्व पद का विभक्ति कौन सी विभक्ति है देखिए प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी तो ये संकटात जो है पंचमी विभक्ति है और मुक्त जो है मुक्त है इधर तो क्रुदंत है ओके गतः गतौ गता उसके हिसाब से मुक्त मुक्त मुक्ता तो ये भी हो गया एक वचन प्रथमा वचन हो गया तो इधर तो प्रथमा विभक्ति है और इधर क्या है पंचमी है तो ये अलग ये अलग तो पूर्व पद और उत्तर पद में अगर अलग अलग विभक्तियाँ हो तो उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं और एक उदाहरण देख लीजिए विद्यहीन विद्याहीन राम से वचनम राम से हो गया षष्ठी वचनम हो गया एक प्रथमा विभक्ति राम अगर ये पूर्व पद है वचनम है उत्तर पद राम का वचन तो राम से वचनम राम वचनम तो राम से पूर्व पद है उत्तर पद है वचनम तो पूर्वपद अलग विभक्ति है षष्ठी है तो वचनम है प्रथमा विभक्ति अगर पूर्वपद अलग विभक्ति हो और उत्तरपद अलग विभक्ति हो तो उसे हम व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं तो व्यधिकरण तत्पुरुष में ये कौन सी तत्पुरुष है तो ये वाला षष्ठी तत्पुरुष है क्यों षष्ठी तत्पुरुष है क्योंकि रामस्य अस्य उसके सुबंध के अनुसार हम उसे हम उसे डिवाइड करते हैं कार्य कुशल हो गया सप्तमी विभक्ति किस में कुशल है कार्य में कुशल है कार्य में कुशल है, है इसलिए इसको हम सप्तमी कहते हैं वृक्षात्ति वृक्षपति वृक्षात्ति वृक्षपति ये हो गया पंचमी विभक्ति आतनम, भिक्षा भिक्षायी अटनम भिक्षाटनम भिक्षाय अटनम किसके लिए भिक्षा के लिए घूम रहा है इसलिए भिक्षायी अटनम भिक्षाटनम तो ये हो गया चतुर्थी विभक्ति भिक्षाया पात्रम ये कौन सी विभक्ति ये है ये हम बाद में जानेंगे अभी हम पहले व्यधिकरण तत्पुरुष समास में हम अभी द्वितीय तत्पुरुष देख लेते हैं सो so, द्वितीय तत्पुरुष पढ़ने में हम एक सूत्र जानेंगे कि कौन से व कौन से शब्द आने पर द्वितीय तत्पुरुष हो जाता है तो so, एक सूत्र कहते हैं पाणिनी जी एक सूत्र कहते हैं कि जैसे द्वितीया द्वितीय श्रित अतीत, पतित अत्यस्त प्राप्त आपन्नई तो कौन से शब्द आने पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं श्रित अतीत अत्यस्त प्राप्त आपन तो एक बार देख लीजिए इधर श्रित श्रित अतीत, और कौन सा है पतित है इधर पतित का नहीं है ठीक है पतित अतीत आपन्न प्राप्त और अत्यस्थ हम्म तो मे, तो क्या हो गया उसका हम अत्यस्थ हमने हम देखेंगे मेघान अत्यस्थ मेघात्यस्थ हम देखेंगे बाद में उसको तो देखो अभी कृष्णम श्रित तो क्या है श्रित है श्रित है इसलिए अभी हम क्या करेंगे इधर द्वितीय तत्पुरुष समास करेंगे अभी इधर विग्रह है विग्रह में पूर्व पद द्वितीय विभक्ति है उत्तर पद जो है शब्द है तो हम करेंगे इसको अभी कृष्णम श्रिता कृष्ण अभी हम समस्त पद कैसे करेंगे वो जानेंगे तो समस्त पद करने करने के लिए एक डीएम है वो क्या है विभक्ति ही लुप्यते विभक्ति ही लुप्यते यत्र, तत्र समासः विभक्ति ही लुप्यते यत्र तत्र समासा विभक्ति ही लुप्यते लुप्य मतलब लोप जिधर विभक्ति का लोप होता है उधर समास होता है तो इधर अभी द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाएगा तो कृष्णम का द्वितीय विभक्ति है अगर ये कृष्णम द्वितीय विभक्ति है तो अगर हम इसका लोप कर देंगे तो उसका जो मूल शब्द है कृष्ण हम लिखेंगे इधर अगर संधि हो सकती है तो संधि बनाएंगे अगर नहीं हो सकती है तो वैसे ही लिख देंगे कृष्ण कृष्णश्रित कृष्ण से आश्रित कृष्ण आश्रित कृष्ण में आश्रित शरणम आगतः अभी देखो इधर कैसे होगा शरणम आगतः तो शरणम का शरण लिख देंगे शरणम अबर शरणम का मेन ये ये जो द्वितीय विभक्ति है विभक्ति ही लुप्यते अगर मैंने इधर ही कहा है कि विभक्ति ही लुप्यते यत्र तो समास हम विभक्ति का लोप करेंगे तो शरणम है लिखते वक्त जब हम समस्त पद लिखते हैं तभी तो हम उसका क्या करेंगे लोप करेंगे तो शरणम का लोप हो गया शरण अभी आगता शरणम अधिक आगतः तो हम इधर संधि बना देंगे शरण आगतः शरणम को हम बनाएंगे खाली शरण क्यों शरण बनाएंगे क्योंकि मूल शब्द शरण है तो हम इसका द्वितीय विभक्ति हटा देंगे तो हो गया शरण शरण आधिका आगतः हो गया शरणागत ओके अभी लोकम अधिक अतित तो इधर भी वैसे ही करेंगे लोकम लोकम का लोक लेंगे अतित लोक का लोक अ अधिक अ तो हो गया आ तो इसको हम आ कर देंगे तो हो गया लोकातीत अभी इसको भी भयम का भय लिखेंगे भय अदिकपन्न हो गया भयापन्न नेक्स्ट रामम आश्रित रामम आश्रित देखिए ओके व्हाट okay, विल कम नाउ राम राम ओके okay? राम अधिक आश्रित तो हो गया यस सुखम् प्राप्त तो हो जाएगा सुख प्राप्त प्राप्तः आरूढ़ अश्वम का अश्व अधिक आ हो गया अश्वा ऐसे नहीं लिखेंगे कि अश्वम आरूढ़ अश्वम आरूढ़ा ऐसे नहीं लिखेंगे उसका हम म जो है वो निकाल देंगे द्वितीय विभक्ति का स्वर्गम स्वर्गम स्वर्ग गर्गगत इधर हम स्वर्गागत ऐसे नहीं करेंगे स्वर्गत दुखम अतीत अभी देखो दुखम का ख अ तो हो गया दुखा दुखातीत ओके आई थिंक सो अभी आपको सबको समझ में आ गया रहेगा द्वितीय तत्पुरुष समास समास में एक ही ध्यान में रखना है कि कौन से शब्द आने पर वो द्वितीय तत्पुरुष समास होता है और उसको हम कैसे करेंगे तो द्वितीय श्रित अतीत अतीत अत्यस्त प्राप्त आपन नहीं द्वितीय कब द्वितीय द्वितीय विभक्ति हो और उसके सामने श्रित अतीत पतित अत्यस्त प्राप्त ने आ गई हो तो उसको हम द्वितीय विभक्ति ही द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष कहलाएंगे अभी हम तृतीय तत्पुरुष समास देखेंगे तृतीय तत्पुरुष समास जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद पूर्व पद तृतीय विभक्ति हो और ऐसे तृतीयांत सुबंध पद का तत्कृत उसके द्वारा किए गए गुणवाचक शब्द के साथ तथा अर्थ शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है सूत्र के अनुसार देखने से अच्छा है हम उदाहरण देख लेंगे तो हाँ आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा ये सूत्र है ये देख लीजिए तृतीया तत्कार्थेन गुणवाचन तृतीया तत्कार्थेन गुणवाचन ये इसका सूत्र है उससे अच्छा हम क्या जानेंगे कि किसके द्वारा हो रहा है उसको हम क्या करेंगे तृतीया लगाएंगे किसके द्वारा हो रहा है हु? तो उदाहरण देखिए शकुलखंड शंकुया खंड अभी मैंने बोला कि हम शंकुला विभक्ति लोप्यते तत्र विभक्तिर लोप्यते यत्र तत्र समासः सो so, विभक्ति ही अभी इसका विभक्ति जाएगा देखो शंकुल या खंड तो हम इधर शंकुल जो ये विभक्ति है उसको हम निकाल देंगे तो हो जाएगा ये शंकुला खंड ओके अभी शंकुल का अर्थ क्या है आपके घर में कोई सुपारी खाता है सुपारी तो सुपारी को तोड़ने को जो लगता है ना सरोते सरोते की किया सरोते से किया गया टुकड़ा तो हम उसको सरोते कहते हैं तो उससे किया गया हुआ टुकड़ा को हम क्या कहेंगे शंकुला खंडहा सो तो कटा हुआ खंडहा कटा हुआ किससे कटा हुआ किससे टुकड़ा गया किया गया हुआ है शंकुलया खंडहा शंकुलया का अर्थ क्या है सरोते सो शंकुलया इधर हमने क्या लगाया है द्वितीया तृतीया लगाया है शंकुलयाखंड है शंकुलाखंड रमयाखंड है रखंड बालिकयाखंड है बालिकाखंड ओके तो ठीक है देखेंगे देखेंगे बाद में का अर्थ धान्यन अर्थ धान्या धान्यन अर्थ धान्य से अर्जित किया हुआ धान्य से प्रयोजन हुआ हुआ धान्या तो इधर अर्थ तदर्थ क्यों क्या यह है तत्कर्थेन तत्कता गुणवाचन जिस किसी से हमें कुछ मिला है उसको हम क्या लगाएंगे तृतीया लगाएंगे धान्यन अर्थ धान्यार्थ तो इधर धान्यार्थ कैसे बना धान्यन शब्द बन गया धान्य अधिक उसको हमने किया अर्थ तो बन गया धान्यार्थ न अर्थ हो जाएगा दानार्थ ओके okay? तो उसके बिना ये से के जे द्वारा था उसको हम मतलब किसके जो मेन प्रयोग है उसके शंकुल या खंडा किसके से किससे कट कर रहे हो किससे क्या कर रहे हो किससे क्या अर्जित अर्जित कर रहे हो इसको हमने तृतीया लगा दिया और क्या शब्द है उत्तर पद में कौन सा शब्द आया तो तृतीया है वो भी एक नियम है तो ये पाठ करना है हमें ये कंठ पाठ किया तो बहुत अच्छा होगा तो कौन से शब्द है वो कौन से कौन से शब्द पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षणयी श्लक्षणयी तृतीया तत्पुरुष समास पूर्व मतलब पहले पूर्व सदृश समानार्थ, कलह निपुण मिश्र श्लक्षण अगर ये शब्द आ गए तो उसे हम क्या लगाएंगे तृतीया लगाएंगे तृतीया विभक्ति लगाएंगे जैसे कि पूर्व आ गया सदृश आ गया देखो पूर्व आ गया सदृश आ गया समह, समानार्थ, समह आ गया ऊन आ गया हीन आ गया कलह आ गया खंज आ गया खंज मतलब जिससे जिस किसी से भी अपंगत्व है कौन से भी उसको श्लक्षण ही आ गया तो उसको आ गएगा तृतीया तो देखो अभी मासे न पूर्व अभी ये विग्रह वाक्य है मासे न पूर्व अगर विग्रह वाक्य को हम समस्त वाक्य में कैसे परिवर्तन करेंगे मासन तो कैसे करेंगे मास लिखेंगे क्योंकि ये मेन शब्द है मासे न का ये लोप हो जाएगा न तो मासन पूर्व मास पूर्व पिता सदृश पित्रा सदृश पित्रा तृतीय विभक्ति है पित्रा सदृश तो इधर हम पित्रा सदृश नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे पितृसद तो आपको अभी प्रश्न पड़ा होगा कि पितृ क्यों लिखेंगे मूल रूप क्या है उसको हम लिखेंगे पितृ अभी मांसेन का मूल रूप है मास तो हमने इधर लिख दिया मास पित्रा सदृश पित्रा तृतीया है तो पित्रा का मूल मूल रूप हम लिखेंगे पितृसदृश मात्रा सदृश मातृ समह या मातृ सदृश भा भ्रात्र हो जाएगा भ्रातृसम माषेण ऊण माशोणम माषेण उनम, उनम मासाभर कम नेत्राभ्याम ही नेत्रहीन अगर दो है इसलिए हमने इधर द्विवचन का प्रयोग किया है भ्याम ही नेत्रहीन वाचा कलह वाक कलह अभी वाचा वाक वाचो वाच, हमने वाच वाक् शब्द पढ़ा है तो वाचा हो गया तृतीया तो उसका मे मूल रूप क्या है वाक है तो इधर हमने बनाया वाक वाक्कलह पादे न खंज पाद खंज ओके पैर से उसको क्या है पैर से वो चल नहीं सकता तो वो हैंडी है ऐसे कुछ तो देखें हम अभी इधर सब तृतीय विभक्ति का उपयोग हुआ है मासेन पित्रा मात्रा भ्रात्रा माशेन नेत्राभ्याम वाचा पादेन इसलिए हम इसको क्या कहेंगे तृतीय तत्पुरुष समास कहेंगे इधर क्यों तृतीय आई है उसके लिए भी उत्तर प्रधान हमने क्या है तत्पुरुष समास का नियम क्या है उत्तर पद पद प्रधान क्यों उत्तर क्यों इधर तृतीय आई है क्योंकि इधर पूर्व है इसलिए तृतीया है क्योंकि इधर सदृश है इसलिए इधर तृतीया है क्योंकि इधर सम है इसलिए इधर तृतीया है क्योंकि इधर ऊनम है इसलिए इधर तृतीया है क्योंकि इधर हीन है इसलिए इधर तृतीया है क्योंकि इधर कलह है इसलिए इधर तृतीया है तो ये जान ले कि पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षणयी तृतीया अभी और एक नियम है तृतीया में वो भी देख लेंगे क्या है कर कर्तृकरणे तृतीया कर्तृकरणे तृतीया मतलब वो कर्ता का भी काम करता है और करण का भी काम काम करता है करण मतलब साधन साधन का भी काम वही करता है और कर्तृ का भी काम वही करता है हरिणा प्रातः तो ये कौन रक्षा कौन कर रहा है हरि कर रहा है तो हरि कौन हो गया करता हो गया तो हरिणा त्रातः हरि और ये जो त्रातः है ये क्रुदंत है नख ही भिन्न नख भिन्न किससे फाड़ा नख से फाड़ा नखों से फाड़ा कुछ भी फाड़ा हो लींबू हो संतरा हो कुछ भी हो कौन सा भी फल हो कौन सा भी कुछ भी हो तो नखों से फाड़ा गया है तो इधर भिन्नः भिन्न मतलब फाड़ा गया है तो हम अभी हरिणात्रातः इधर देखिए हरिणात्रातः हरित्रातः कैसे बन गया हरिणा का मूल रूप क्या है हरि है तो त्रातः बन गया हरित्रातः नखई ही भिन्न नखभिन्न अभी नखई ही भिन्न है तो जब हम विग्रह वाक्य करेंगे उसको हम नख नकह भिन्न नखई भिन्न नहीं लिखेंगे तो विग्रह वाक्य को समस्त वाक्य में बनाते वक्त उसका मूल रूप लिखेंगे नखई ही का मूल रूप हो गया नख तो इधर हो गया नख भिन्न तो नखई ही ये साधन है किसके लिए साधन है कि क्या फाड़ रहे हो किससे फाड़ रहे हो ये ये जो नखई जो है ये साधन है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कर्तुकर्ण तृतीया जो जब जब साधन बन जाता है तो उसको हम तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं अभी हम चतुर्थी तत्पुरुष समास देखेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास में भी एक नियम है चतुर्थी तदर्थ चतुर्थी तदर्थ तदर्थ तत अधिक अर्थ अधिक तदर्थर्थ, तदर्थ अर्थ बलिहित सुख रक्षित ही अभी इधर कौन से कौन से शब्द आने पर चतुर्थी होती है तदर्थ मतलब उसके कारण उसके लिए तदर्थ तत् अर्थ हम्म तो अभी हम देखेंगे बलि आ गया तो चतुर्थी हित आ गया तो चतुर्थी सुख आ गया तो चतुर्थी रक्षित रक्षित आ गया तो चतुर्थी मैंने इधर रक्षितई ही क्यों लिखा है क्योंकि ये सब शब्द है इसलिए मैंने इधर बनाते वक्त रक्षितई ही ऐसे लिखा है लेकिन रक्षित है वो ओके तो देखेंगे अभी बलि आ गया तो चतुर्थी हित आ गया किधर उत्तर पद में बलि आ गया तो चतुर्थी उत्तर पद में हित आ गया तो चतुर्थी तो उत्तर पद में सुख आ गया तो चतुर्थी उत्तर पद में रक्षित आ गया तो भी चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है उदाहरण के लिए देखेंगे अभी तो उधर वो शब्द नहीं है लेकिन उसके पहले जो था तदर्थ तदर्थ उसके कारण उसके लिए युपदारु, यूपा युपदारु, यूपदारू यूपाय इसको हम यज्ञ स्तंभ यज्ञ यद्न्य के लिए बनाया हुआ स्तंभ उसको हम कहते हैं यज्ञ स्तंभ ओके तो इसके लिए हम अभी यू, यूपाय यूप हो गया पूर्व पद दारू हो गया उत्तरपद किसके लिए किसके लिए बनाया रह? बना रहा है स्तंभ किसके लिए हो रहा है यूपाय यज्ञ के लिए यूप स्तंभ तो तदर्थ कारण है अर्थ तदर्थ तत्कृते तदर्थ तो यूपदारु बन गया यूपदारु यज्ञ स्तंभ यूपाय दारू यूपाय यूपा का विभक्ति लोप हो गया तो बन गया यूप दारू वैसे ही लिखेंगे यूप दारू तो ये विग्रह वाक्य है और ये समस्त वाक्य है अभी देखो ब्राह्मण हितम किसका हित करने वाले हैं ब्राह्मण का हित करने वाले हैं तो हित आ गया तो चतुर्थी है किसका हितम करने वाले हैं हम ब्राह्मण का हित सो तो ब्राह्मण का हो गया चतुर्थी क्या हो गया ब्राह्मण का ब्राह्मणाय सो तो ब्राह्मणाय हितम ब्राह्मण हितम सो so, ब्राह्मणाय हो गया चतुर्थी एक एक वचन ब्राह्मणाय हितम ब्राह्मण हित ब्राह्मण हितम बहुत से बच्चे ये गलतियाँ करते हैं वो क्या लिखते हैं ब्राह्मणे हितम ऐसे लिखते हैं ब्राह्मणे मतलब अलग हो गया ब्राह्मणे इधर ब्राह्मणा ब्राम्हन हा, ब्राह्मण हाँ ब्राह्मण हा। ऐसे चल चलाएंगे हम शब्द वो